आम चुनावों के नजदीक आते ही देश के राजनीतिक पार्टियों से नई नई खबरें रोज चर्चा में रहती हैं और सभी की नजरें रहती हैं बड़े राजनेताओं की ओर। बात करें अगर बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तर पर बनाए गए संगठन के दो सेक्टरों को तत्काल प्रभाव से भंग करते हुए इसका नए सिरे से गठन किया है। संगठन का पुनर्गठन 12 दिनों के अंदर दूसरी बार किया गया है। अब प्रत्येक 3 मंडल में एक सेक्टर होगा और इसमें 2-2 टीमें काम करेंगी। लोकसभा चुनाव के दौरान यही टीम बसपा सुप्रीमो बहनजी की आंख और कान होगी। यही टीम जमीनी स्तर पर प्रचार का कमान संभालने के साथ ही मायावती को पूरी रिपोर्ट भी सौंपेगी। इस टीम में कुल 25 लोगों को शामिल किया गया है और टीम में उन्हें ही जगह दी गई है जो बसपा कोर कमेटी से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। मायावती ने संगठन में फेरबदल का ऐलान प्रदेश मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश में स्टेट और मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारियों और पार्टी के जिम्मेदार लोगों की बैठक में किया। खबरों का बाजार गर्म है कि मायावती के चुनाव लड़ने की संभावना बेहद कम है, जिसकी मुख्य वजह उनकी व्यस्तता बताई जा रही है। इसके चलते ही उनके चुनाव लड़ने वाली संभावित सीटों नगीना, अंबेडकर नगर और बुलंदशहर के लिए लोकसभा प्रभारियों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। यही नहीं, मायावती और अखिलेश दोनों यूपी में करीब 12 साझा रैलियां करेंगे। खबरों की माने तो साझा रैलियों का कार्यक्रम मायावती की ओर से तैयार किया गया है, जिसकी शुरुआत 2 अप्रैल को भुवनेश्वर से करने की संभावना जताई जा रही है। लोकसभा में प्रचार के लिए ये उनका चुनावी शंखनाद बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि नगीना से वो गिरीश चंद्र जाटव और अम्बेडकर नगर से पवन पांडे को चुनाव लड़ा सकती हैं। बहरहाल बहनजी को लेकर चर्चा है कि मैनपुरी में मुलायम सिंह के लिए वोट मांगकर मायावती इतिहास बनाने की तैयारी में है। फिलहाल सबकी नजरें सपा बसपा गठबंधन के साथ साथ बहनजी के अगले कदम पर भी टिकी है। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।